नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। राहुल गांधी देश में सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस का एक अहम हिस्सा, एक ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखने वाले जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। भले ही आज कांग्रेस की जगह जगह पर आलोचनाएं होती हैं, लेकिन राहुल गांधी के लाखों करोड़ों चाहने वाले भी हैं। देश और दुनिया में उनके बहुत से प्रशंसक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अकेले खड़े ही नजर आते हैं। उनके चारों तरफ एक ऐसा अनदेखा दायरा है जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते, एक ऐसी दीवार जिसे वो तोड़ नहीं पाते। वह अपने आसपास बने खोल में घुटन को महसूस करते हैं, लेकिन उससे निकलने की कोई राह, कोई तरकीब उन्हें नजर नहीं आती। राहुल गांधी की जगह जगह पर आलोचनाएं होती हैं, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा, लेकिन आज हम आपको राहुल गांधी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता। इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। राहुल गांधी को बचपन से ही एक ऐसा माहौल मिला जहां अपने पराए और दुश्मन दोस्त की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। इन हादसों ने उन्हें वह दर्द दिया जिसकी जरा सी याद उनकी आंखें भिगो देती। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी दादी को उन सुरक्षा गार्डों ने मारा जिनके साथ वो कभी बैडमिंटन खेला करते थे। वैसे राहुल गांधी के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है, आए दिन उन्हें मारने की धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन आज भी वो उस जगह पर डट कर खड़े हैं और अभी भी कांग्रेस को इस मुश्किल परिस्थितियों से निकालने के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट। Yeah.